हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो अभी एक मुझे चीज थी वो जो आपके साथ शेयर करनी थी। एक इशू था जो मैं काफी टाइम से फेस कर रहा था अपनी गाड़ी में। काफी टाइम से क्या, जब से गाड़ी ली थी तब से ही फेस कर रहा था मैं। गाड़ी लेने के एक हफ्ते के बाद ही गाड़ी की जो चाबी होती है वो काम करना इसने बंद कर दिया था। मैंने इसके जो उन्होंने सेटन वालों ने ग्रुप बनाया था उसमें भी ये चीज मेंशन करी थी कि मेरी चाबी जो थी सेंट्रल लॉकिंग वाली वो काम नहीं कर रही है। तो उस टाइम कोई इशू नहीं था, उन्होंने बोला सेल वी को कहेंगे वो डाल लो। मैंने सेल चेंज करके देखा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे। उसके बाद मैंने और दो तीन बार सेल चेंज किए, एक दो बार चलती थी फिर बंद हो जाती थी। तो अब गाड़ी की दूसरी सर्विस भी हो चुकी है। हाँ भाई, दूसरी सर्विस भी हो गई है। वो मैं अभी इसकी इस वीडियो के बाद डालूंगा क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करनी है। तो वो थोड़ी अच्छे से एडिट करके डालूंगा मैं, और वो उसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए कुछ दिन का। तो वो चीज़ बाद में आएगी सेकंड सर्विस की, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें भी थी जो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो थोड़ा अच्छे से मैं उसको करूँगा। तो चाबी की मैं बात कर रहा था। चाबी में मेरे को क्या इशू आया कि जब से मैंने ये गाड़ी ली थी तब से वो काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने सेकंड सर्विस में भी इन लोगों को बोला कि यार चाबी काम नहीं कर रही है इसकी, तो आप इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए। तो उन्होंने बोला कि सर वो चीज़ थी, ये थी, वो थी, मैंने ठीक कर दिया। लेकिन वही जो आपको पता है, सर्विस सेंटर से लौटने के बाद वो चीज़ें काम दोबारा से बंद हो जाती हैं। तो वो चाबी फिर से बंद हो गई। तो मैंने सोचा बार बार इनसे बोलने से अच्छा मैंने अब खुद ही चेंज करवाऊंगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो ये चाबी है इसकी, और ये दोनों इसके जो बटन हैं काम नहीं करते। कभी कभी इसकी लाइट जलती रहती है, कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते। तो वो चीज़ें इसमें अब मेरे को ठीक करवानी है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है कि मैं इसको बार बार प्रेस करता रहता हूँ बार बार, या फिर गाड़ी के पास जाके पुरानी गाड़ियाँ होती थी जाके इंसर्ट करके उसको लॉक अनलॉक करना पड़ता था। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा है। मेरे पास पुरानी गाड़ी थी अपनी, जो उसकी मेरे पास चाबी थी, मैंने अच्छी सी भरवाई थी। ये बीएम शेप की चाबी थी, बीएमडब्ल्यू की। तो इसको, इस चाबी को मैं इसमें अब करवाऊंगा दोबारा, क्योंकि ये चाबी है मेरी पुरानी गाड़ी की। तो मैंने वो रख ली थी क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी दो चाबी जो हुंडई से मिलती हैं वो मैंने उसके साथ में दे दी थी। तो ये मैंने अपने पास रख ली थी क्योंकि मैंने अपने खुद बनवाई थी, तो मैं भाई महंगी भी थी, मैं क्यों दूँ। तो ये चाबी है, ये कुछ ऐसे काम करती है, इसमें लॉक अनलॉक और बूट ओपन वाला, लॉक अनलॉक और बूट ओपन का इसमें बटन है। तो ये चाबी हम कोशिश करते हैं एक बार इसमें बनवा लेंगे, क्योंकि ये जो इसका जो शेप है ये i10 का ही है, मेरी पुरानी गाड़ी का है। तो एक बार ये चेंज होगा और इसकी जो सेटिंग होगी वो इसमें चेंज हो जाएगी। तो एक बार मैं ये करवा के देखता हूँ, क्योंकि भाई इससे बड़ा मैं परेशान हो गया हूँ चाबी से, क्योंकि जब भी भाई कहीं जाओ तो ये चीज़ काम नहीं करती, फिर इसकी तो बड़ी दिक्कत होती है। तो एक बार देखते हैं, मैं जाता हूँ जिससे मैंने चाबी बनवाई थी उसी शॉप पर मैं जा रहा हूँ, इसके बाद इसको इसमें कन्वर्ट करके देखेंगे। तो जो मैं करवाने गया था वो तो हुआ नहीं। इसमें एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि इस चाबी में एक चिप होती है जो हमें क्लोन करना होता है। ये जब चाबी मैंने क्लोन करवाने के लिए उसको बोला तो उसने खूब कोशिश करी, उसने जब इस चाबी को खोला तो कह रहा भैया ये सिट्रोन ने, और सच बताऊँ अभी वो जो बंदा था चाबी बनाने वाला, मेरे जाने से पहले गूगल पर सिट्रोन C3 सर्च कर रहा था कि कैसी गाड़ी है, मेरे को लेनी है, मुझसे मैं पहुंच गया। और फॉर्चुनेटली मैं वहां पे पहुंच गया, मुझसे पूछा भैया कैसी गाड़ी है, मुझे लेनी है। तो मैंने बताया भाई देख लो, पहले तो इसकी चाबी खोलो, फिर मैंने पूरी चीज़ बताई क्या क्या हुआ है कि 10 दिन इसकी चाबी चलती है, नया सेल डालो तो नहीं 10 दिन चाबी चलती है, उसके बाद ही फिर बंद हो जाती है। तो उसने बताया कि बैटरी पी रही है, कुछ अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट है, कुछ है ऐसा चीज़ है। मैंने उसको क्लोन करने को बोला कि पुरानी गाड़ी की चाबी है मेरी, इसमें क्लोन कर दो। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की चाबी है, मतलब ये शायद इसको 4-5 साल से ज़्यादा हो गया और ये अभी तक सही चल रही है। तो मैंने इसको बोला कि भाई इसमें क्लोन करने के लिए, तो इसमें क्या एक प्रॉब्लम है कि सिट्रोन वालों ने इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो इस तरीके से करी है कि इसको आप क्लोन नहीं कर सकते। मतलब एक तो इसकी लॉक लगा हुआ है कि आप इसको, मतलब मैंने फिर इसको लास्ट जब इसने क्लोन नहीं कर पाया तो मैंने इसको बोला कोई बात नहीं मैं अभी। फिर हमने एक और चीज़ देखी कि इसके साथ एक नॉर्मल चाबी आई थी जिसमें बटन नहीं होते ये वाले। तो मैंने बोला कि यार वो वाली एक काम करते हैं कि एक मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ चाबी काम कैसे करती है। इस चाबी से अगर कोई चोर या कोई बंदा इसको इसका डुप्लीकेट बना ले तो आप गाड़ी को ओपन तो कर सकते हो, गेट खोल लोगे, स्टीयरिंग अनलॉक कर लोगे, पर इंजन ऑन नहीं होगा। इंजन ऑन तब तक नहीं होगा, इसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है जो गाड़ी के साथ लिंक होती है, जब तक वो चिप इसके पास नहीं जाएगी, स्टीयरिंग के पास नहीं जाएगी, तब तक इंजन ऑन नहीं होगा, मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते आप। तो ऐसा ही इस तरीके से कुछ काम करता है। तो मैंने इसको क्या बोला कि मेरे पास एक और चाबी है जिसमें रिमोट नहीं है, इसके साथ एक और चाबी आती है कंपनी से, इसमें ये बटन्स नहीं होते हैं, पर उस चाबी के अंदर चिप होगी।
हम एक काम करते हैं, आप इसको रिमोट को मतलब बटन को गाड़ी के साथ प्रोग्राम कर दो कि ये चीज में चल जाए, जैसे और नॉर्मल उसमें करते हैं गाड़ियों में जब स्टार्ट लॉकिंग नहीं होती, तो इसको इसका मैं रिमोट यूज कर लूंगा और उसकी चिप निकाल के मैं इसमें डाल दूंगा तो चाबी पूरी बन जाएगी। और जो इसके साथ ये है ये चीज, ये तो मशीन से बनी जाती है, तो ये पूरी चाबी रेडी हो जाएगी। मतलब इसमें लुक क्लोन नहीं हुआ था, पर हम इसी का जो चिप है वो इसमें डाल देंगे और इसके जो अंदर पीसीबी है वो इससे क्लोन कर देंगे, पर वो भी लिंक नहीं हो पाया। तो अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, 3,000 रुपए की चाबी आती है, मैंने बनवाई थी, 3,000 रुपए की चाबी आती है जिसके साथ में ही वो चिप आती है और वो पूरी पीसीबी होगी जो आईसी होती है साथ में, जो पूरा अंदर मदरबोर्ड होता है इसका, वो पूरी साथ में ही क्लोन होगी गाड़ी के साथ, वो है 3,000 रुपए की। तो भाई अभी मैंने तो नहीं करवाई, मैं तो नहीं करवा पाया इसको, इन फ्यूचर देखो शायद मैं करवा लूँ, क्योंकि भाई अभी तो ये वारंटी में भी है, 2 बार बोल दिया मैंने कंपनी वालों को ये नहीं ठीक कर पाए, हर बार सेल डाल देते हैं, चल रहा भाई मुझे ये पता है 10 दिन चल जाती है। और जब मैं शोरूम से लाया था ये सर्विस सेंटर से, जब मैं सर्विस कराई गाड़ी लाया था मुझे पता था 10 दिन में फिर बंद हो जाएगी, उन्होंने बोल दिया ठीक कर दी, पर वो फिर बंद जाए। तो अभी फिलहाल मैंने इसमें 100 रुपये का सेल डलवा दिया लिथियम वाला, इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो थोड़े दिन ये चलाऊंगा फिर आगे देखते हैं अगर इसका बनवा पाऊंगा तो। मतलब फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोन नहीं करवा पाया, और उसने जब इस चाबी को खोला उसका सिट्रोन से मन उठ गया, जो गूगल पर सर्च कर रहा था, कहता भैया इसके अंदर क्वालिटी और जो पार्ट्स हैं इतने चीप क्वालिटी के, और चाबी कैसी है इसकी, वो देख के भी कह रहा भैया स्कूटी की चाबी है क्या। और सिट्रोन वालों ने लॉक तो इसको ऐसे कर दिया है जैसे कितनी ही अलग चाबी होगी कि बहुत ही सेफ्टी, और क्लोन नहीं कर सकते आप इसको ऐसे, और ऐसे थर्ड क्लास चाबी बनाई है, इसको क्लोन भी नहीं कर सकते। तो यही था भाई आज की इस वीडियो में, करवा तो मैं पाया नहीं, इस फ्यूचर अगर देखता हूँ तो इसको दोबारा मैं कोशिश जरूर करूँगा और बनवाऊंगा, इससे बेटर चाबी बनवाऊंगा ये तो, क्योंकि भाई इसको लेके तो मैं नहीं घूम पाऊंगा, ये इतनी अच्छी क्वालिटी की चाबी है, भारी है, हैवी है, और बहुत ही अच्छी लाइफ है इस चाबी की। अब पुरानी गाड़ी में चली आज भी चल रही है, और इसकी बड़ी है इतनी जल्दी, तो अभी करवाना तो मुझे है, देखते हैं भाई कब करवा पाऊंगा मैं जल्दी ही, जब तक दोबारा अब तक इसके सेल दोबारा खत्म होते हैं तब इसको ठीक से दोबारा कराऊंगा। तब तक के लिए भाई बाय बाय, see you, thank you for watching the video, bye.